गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपने चर्चा कर ली थी पति निरूपण नियम, इसका सेकंड नियम क्या होता है? और ये फोकस बिंदु, यदि कोई प्रकाश बिंदु दर्पण के फोकस बिंदु से गुजरकर दर्पण प्राप्त होती है तो प्रारंभिक किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण के फोकस बिंदु से गुजरकर दर्पण प्राप्त होती है तो प्रारंभिक किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसी प्रकार इसका तृतीय नियम यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव प्राप्ति होती हो यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव प्राप्ति होती हो तो प्रारंभिक किरण आपतन कोण के समान कोण बनाती हुई मुख्य अक्ष के नीचे की ओर चली जाएगी। ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण आपतन कोण के समान कोण बनाती हुई मुख्य अक्ष के नीचे की ओर चली जाती है। और लास्ट नियम, ये फोकस बिंदु यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरकर दर्पण प्राप्त होती है तो परावर्तित किरण मूल पथ पर वापस लौट जाती है। यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरकर दर्पण प्राप्त होती है तो परावर्तित किरण मूल पथ पर वापस लौट जाती है। ये प्रतिबिंब निरूपण नियम होते हैं। अब इन्हीं की सहायता से किसी भी जैसे दर्पण है, लेंस है, उनमें भी क्या होगा, इनसे संबंधित प्रतिबिंब की रचना की जाती है। तो देखिए अगला टॉपिक, फोकस दूरी। जैसा कि आपको पता है फोकस बिंदु समूलक द्वारा करते हैं और वक्रता त्रिज्या केवल आर द्वारा, फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, f=r/2। तो ये हमें याद करना है कि इक्वेशन किस प्रकार प्राप्त होगी, ये फॉर्मूला कैसे प्राप्त होगा। तो इसके लिए डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये आवर्त दर्पण है, मुख्य अक्ष, कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो रही है तो प्रारंभिक किरण फोकस बिंदु से गुजरती है। ये कोण 2θ, तो ये तंत्र कोण होने के कारण ये कोण 2θ होगा। वक्रता केंद्र से रचना की जाती है,
तो इस समकोण को पॉइंट M पर समाकलन संधिवत करता है तो ये कोण थीटा हो जाता है। ये सूत्र याद करने के लिए इसमें प्रवणता का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आपको पता प्रवणता टैन के रूप में व्यक्त की जाती है, टैन का मान और आधार के रूप में होता है। तो इसमें आपके पास एक रूल दिखाई देगा, रूल एफ एम बी, इसकी प्रवणता लेते हैं और इस प्रवणता या स्लोप को नगण्य माना जाता है। तो फिर कुछ जो थीटा
थीटा का ये जो मान है क्वेश्चन नंबर 4 में, ये क्वेश्चन नंबर 3 में रख दो थीटा का मान, तो देखिए क्या मान आएगा। समीकरण ये जो थीटा का मान है ये आप रखते हैं तो इनटू एमपी अपॉन आर इक्वल एमपी अपॉन है, यहां पर थीटा की वैल्यू रखी है समीकरण 4 से। तो देखिए एमपी से एमपी डिफरेंस क्या रह गया, 2 अपॉन आर इक्वल 1 अपॉन है, 1 से गुणा करो तो 2 वर्ग से गुणा करेंगे 2f, f का मान निकालेंगे r अपॉन 2, ये आपके पास फॉर्मूला प्राप्त हो गया। इसी प्रकार इससे संबंधित कई बार न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, उसमें जो स्टूडेंट्स हैं छोटी छोटी गलतियां करते हैं कॉन्फिडेंस के कारण, और कॉन्फिडेंस जैसे न्यूमेरिकल आता है किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेमी है और ये दर्पण इस प्रकृति का है, तो वक्रता त्रिज्या यदि आपके पास धनात्मक है तो ये सदैव उत्तल दर्पण होगा, इसी प्रकार यदि आपके पास ये ऋणात्मक हो तो ये अवतल दर्पण होता है। अब इसकी फोकल दूरी हमें निकालनी है तो फॉर्मूला होता है इक्वल आर अपॉन 2, तो मान रखेंगे 5 सेमी आ गया। कई बार क्या किया जाता है स्टूडेंट्स को इस प्रकार क्वेश्चन दे दिया जाता है कि f की वैल्यू दे रखी है 20 सेमी और r का मान पूछा जाता है r को पता फिर जगह, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं दरवाजे में कि 10 सेमी फॉर्मूला लगाते हैं लेकिन वैल्यू से निकालते हैं ये होता है। तो f का मान रखा है तो f का मान रखा है तो आपके साथ रखो कितना गया 40, तो थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना आवश्यक है लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं इन पर बता दीजिए क्या किया और उसके अनुसार चंदबाजी नहीं। इसी प्रकार आप लगाते दर्पण सूत्र छठी क्लास में आपने पढ़ा है दर्पण सूत्र क्या होता है, 1 अपॉन f इक्वल 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u, जहां पर f वस्तु की सॉरी दर्पण की फोकल दूरी को दर्शाता है, v वस्तु की प्रतिबिंब को दर्शाता है, u बिंब दूरी को दर्शाता है। अब इसके लिए डायग्राम बनाते हैं, ये आपके पास अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष ये ध्रुव है, मान लीजिए ये कोई वस्तु है ए बी। अब इसका प्रतिबिंब बनाते हैं, प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम दो प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है, मान लीजिए एक प्रकाश किरण से मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण प्रापित हो रही है, मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण प्रापित हो रही है तो परावर्तित किरण फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। इसी प्रकार दूसरी किरण इससे निकलकर दर्पण के ध्रुव पर आकर होती है, तो यहां पर जितना कोण होता है उतना तो
अप्लाई करना के प्रावर्तित किरण मुख्य अक्ष के नीचे की ओर चली जाती है, अर्थात ये कोण और ये कोण क्या होंगे बराबर होंगे। जहां पर प्रावर्तित किरण एक दूसरे को काटती है, एक ये रही एक ये रही, यहां पर प्रतिच्छेदित कर रही है, जहां पर प्रतिच्छेदित करती है वहां पर इसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है ए डैश बी डैश, ये दोनों कोण समान होंगे तो ये भी बराबर होंगे। अब दर्पण सूत्र प्राप्त करने के लिए इनमें जो प्रौद्योगिक समरूपता नियम लगेगा तो उसके अनुसार ये इक्वेशन प्राप्त की जाएगी। तो देखिए त्रिभुज एक आपको दिखाई देगा एएमपी, ये इसी प्रकार एक त्रिभुज दिखाई देगा इसके सम्मुख जिसका कोण बराबर है ए डैश बी डैश एफ, इसमें समरूपता नहीं बताते दोनों त्रिभुजों में। तो त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ वे त्रिभुज एफ एम पी से, तो समरूपता नियम क्या कहता है त्रिभुज की ऊर्ध्व अनुपात में त्रिभुज की लंब अनुपात क्या होता है बराबर। तो इसमें लंब और आधार का अनुपात लेते हैं, तो इस प्रकार ये त्रिभुज बने हुए इस डायग्राम में ए डैश बी डैश ये रहा एफ एम पी ये रहा, जिन्हें यहां पर दोबारा दर्शा लेते हैं ए डैश बी डैश एफ। ये कौन है तो लंबी होगा या डाली होगा, ये कौन है तो डाली है लंबी ये है। अब इसके आधार पर देखते हैं लंब और आधार का अनुपात लेते हैं समरूपता के आधार पर, तो त्रिभुज ई डैश बी डैश एफ में लंब क्या है ई डैश बी डैश, इसका लंब ये है। इसी प्रकार एफ एम पी में लंब एम पी है, इसी प्रकार इसमें आधार ए डैश एफ है और इसमें एफ पी है। समीकरण नंबर एक, चूंकि आप देख रहे हो बीएम जो है मुख्य अक्ष के क्या है समांतर, अर्थात बीएम समांतर है एपी के, और दो समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है एपी और एमपी ये भी क्या होगी बराबर होती है, तो एमपी इक्वल एपी, इसलिए एमपी के स्थान पर ये भी लगते हैं एपी, तो ए डैश बी डैश अपॉन एपी ए डैश एफ अपॉन एफ पी। इक्वेशन नंबर टू ये आपके पास इक्वेशन प्राप्त हो गई। इसी प्रकार दो त्रिभुज और देखते हैं ए डैश बी डैश पी ये रहा ए बी पी ये रहा, तो आपके पास इनमें समरूपता नियम लगाते हैं लंब और आधार का अनुपात देते हैं, तो देखिए क्या आएगा इसके आधार पर त्रिभुज ए डैश बी डैश पी व त्रिभुज ए बी पी से। डायग्राम में देखते ही रहा ए डैश बी डैश पी, इसकी सहायता से चित्र बनाती है यहां पर ए डैश बी डैश पी और ये कौन है, इसी प्रकार ए बी पी ए बी पी यहां पर
तो इसके द्वारा लंबा पाद और दार लंबा देखते हैं। तो आपके पास इसमें लंबा है ए डैश बी डैश, इसमें है ए बी, तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, इसमें आ रहा है आपके पास ए डैश बी और इसमें ए पी, तो ए डैश पी अपॉन ए पी, इक्वेशन नंबर थ्री। इक्वेशन नंबर टू में देखिए ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, इक्वेशन नंबर थ्री में ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, इनके एलएचएस आपस में बराबर है तो एलएचएस भी क्या होंगे बराबर होंगे। तो इक्वेशन नंबर टू और थ्री से देखिए क्या लिखते हैं, इसका मान क्या रहता है, एस बी डैश अपॉन ए बी का एस एफ अपॉन एफ बी, यहां पर लिखते हैं ए डैश एफ अपॉन एफ बी इक्वल ए डैश बी अपॉन ए बी, इक्वेशन नंबर फोर। अब देखिए चित्र के अनुसार आपको इनकी इक्वेशन नंबर फोर में वैल्यू रखनी है, चित्र अनुसार तो वैल्यू देखते हैं। एफ पी, एफ पी दो और फोकस बिंदु के बीच की दूरी, फोकस दूरी स्मॉल एफ। इसी प्रकार ए डैश पी, ए डैश पर प्रतिबिंब बनता है तो ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी प्रतिबिंब दूरी को व्यक्त करती है जिसे वी द्वारा व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार ए पी, तो ए और पी ए पर बिंदु है, ध्रुव और बिंदु के बीच की दूरी को बिंदु दूरी द्वारा व्यक्त करते हैं जिसे यू द्वारा व्यक्त किया गया। इसी प्रकार यहां पर ए डैश एफ है, ए डैश एफ ये रहा ए डैश एफ की वैल्यू, तो यहां से लेकर यहां तक आपको मैंने बताई थी प्रतिबिंब दूरी और ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी बताई थी फोकस दूरी, तो इसके बीच ये रही है तो प्रतिबिंब दूरी से फोकस दूरी घटा दीजिए, ए डैश एफ आपको प्राप्त हो जाएगा। अर्थात चित्र अनुसार आपके पास एफ पी का जो मान प्राप्त हुआ है स्मॉल है दूरी के रूप में, इसी प्रकार ए डैश बी का जो मान प्राप्त हुआ है वो प्रतिबिंब दूरी के रूप में, ए पी का जो मान प्राप्त हुआ है वो बिंदु दूरी के रूप में, और ए डैश एफ का जो मान प्राप्त हुआ है वो प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के अंतराल के तुल्य है ई माइनस एफ। अब ये क्वेश्चन नंबर मान लीजिए फाइव आपके पास, इसकी वैल्यू यहां पर रखते हैं तो समीकरण चार में पांच से चार में पांच से तो एडस एफ का मान है बी माइनस एफ, ये रहा एडस एफ जिसकी वैल्यू है बी माइनस एफ अपॉन एफ पी फोकस दूरी के रूप में स्मॉल एफ, एडस पी प्रतिबिंब दूरी के रूप में जिसकी वैल्यू रखी बी, इसी प्रकार एपी, तो एपी आपके पास बिंदु के रूप में है यू, इस इक्वेशन में प्रत्येक पद में यूवीएम का भाग देते हैं, यूवीएम का भाग देने पर यूवीएफ का भाग
देखिए UV अपॉन UVF माइनस UF अपॉन UVF VF अपॉन UVF UV से UV कैंसिल UF से UF कैंसिल VF से VF कैंसिल तो क्या रह गया यहां पर रह गया तो सिर्फ त्रिभुज के समरूपता नियम के आधार पर हमने दर्पण सूत्र प्राप्त किया है ध्यान रखना यहां का प्लस होता है ठीक है ना इसी प्रकार आगे बताते हैं आपको प्रिज्म के बारे में प्रिज्म के बारे में आपने सुना ही होगा छोटी क्लास में लगता है कैसे दसवीं है फिर प्रिज्म जो होता है सामान्य रूप से क्राउन कांच का बना होता है जिसमें दो प्रकार के फलक होते हैं त्रिभुज और आयत